नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। शाम के 6:30 बज रहे। दिन भर की बड़ी खबरों का बुलेटिन पंचनामा लेकर हम हाजिर हैं। बड़ी खबर में आज अविश्वास पर सदन में जो चर्चा रही, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हुई राहुल गांधी के भाषण की। भाषण के बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगा लिया और इस पर सियासत गर्मा गई। पंचनामा में हम आपको दिखाएंगे राहुल गांधी आज कैसे नए कलेवर और तेवर में नजर आए। राहुल गांधी के वार पर पलटवार का दौर संसद के अंदर और बाहर भी जारी रहा, लेकिन शुरुआत करेंगे पंचनामा की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। और आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर यह है, अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम मोदी का जवाब 8:00 होगा। प्रधानमंत्री मोदी 8:00 बोलेंगे, सरकार पर लगे आरोपों का जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 8:00 के बाद भाषण दे सकते हैं, जो जानकारी इस वक्त एबीपी न्यूज को मिल रही है। तो आज अविश्वास प्रस्ताव पर जो चर्चा लगातार चल रही है, आपको फिलहाल बता देते हैं अविश्वास प्रस्ताव पर जो चर्चा हुई उसमें बड़ी बातें क्या निकल कर आई हैं। जल्दी से आपको बताते हैं किस तरीके से दिन की सबसे बड़ी तस्वीर आज बनी, वो तस्वीर जहां गले मिलते हुए नजर आए राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के। लेकिन इस बीच बड़ी बातें हैं कि सुबह 11:00 से अविश्वास प्रस्ताव पर चल रही है चर्चा, राहुल गांधी का पीएम मोदी के गले लगने पर बड़ी चर्चा। राहुल ने भाषण खत्म करके मोदी को गले लगाया और यही आज दिन की सबसे बड़ी खबर बनी, सुर्खियों में रही ये तस्वीर, जब राहुल गांधी ने अपना भाषण खत्म किया और जाकर गले लगाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अविश्वास प्रस्ताव पर अब तक क्या कुछ हुआ है ये हम आपको बता रहे हैं। पीएम को गले लगाने पर इस वक्त सुर्खियों में बने हुए हैं राहुल गांधी। राहुल के भाषण पर बीजेपी बोली कि कॉमेडी का भूकंप आया, हंसी का भूकंप आया। राहुल ने रफेल, 15 लाख रुपए, बेरोजगारी के मुद्दे उठाए, मोदी सरकार पर हमला किया। रक्षा मंत्री ने हालांकि रफेल डील पर राहुल के आरोपों को झूठा करार दिया। चलिए आज सबसे ज्यादा चर्चित तस्वीर जो रही, जिसने सबसे ज्यादा चौंका दिया, तो जैसे उस तस्वीर ने चौंकाया वैसे ही मैं यहां पर चौंका देता हूं। कुछ इस तरह की तस्वीर आज हमने देखी कि राहुल गांधी गए और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ इस अंदाज में गले लगा लिया। हालांकि मोदी उस वक्त बैठे हुए थे, अखिलेश खड़े हुए हैं। राहुल गांधी ने गुजारिश की प्रधानमंत्री से खड़े होने की, लेकिन प्रधानमंत्री जब नहीं खड़े हुए तो उन्होंने उन्हें गले लगा लिया और यह तस्वीर आज की सबसे चर्चित तस्वीर बन गई। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राहुल ने अपना भाषण खत्म किया और राहुल भाषण खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के पास गए, बोले मोदी जी खड़े होइए। मोदी जी चौंक गए, मोदी जी ने कहा क्या हुआ, क्या बात है। उन्होंने कहा खड़े होइए, और जब मोदी नहीं खड़े हुए तो देखिए राहुल ने किस तरीके से उन्हें गले से लगा लिया। उसके बाद प्रधानमंत्री का एक जेस्चर, ये क्या हो रहा है भाई, और उसके बाद उन्होंने राहुल को पास बुलाया, राहुल से हाथ मिलाया, उनकी पीठ थपथपाई और कान में कुछ कहा। क्या कहा ये केवल मोदी और राहुल ही जानते हैं। तो जब राहुल मेट प्रधानमंत्री मोदी, ये तस्वीर सबको पसंद नहीं आई और खास तौर पर चेयर में सुमित्रा महाजन को। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री से गले मिलने और संसद में आंख मारने को संसद की गरिमा और नियमों के विरुद्ध बताया गया। हाउस में ऐसा होता नहीं है, हाउस के डेकोरेशन में नहीं है, एंड आफ्टर ऑल पद की भी एक गरिमा होती है। उस समय मुझे भी अच्छा नहीं लगा, प्राइम मिनिस्टर आई एम सॉरी। गौरव बैठो बेटा, बहुत कुछ समझना है जिंदगी में, नहीं होना नहीं चाहिए, सभी लोग इसको ध्यान में रखें। हाउस का एक डेकोरम है, वो प्राइम मिनिस्टर है, एट दैट टाइम ही इज प्राइम मिनिस्टर, ही इज सिटिंग इन द प्राइम मिनिस्टर सीट। तो प्राइम मिनिस्टर के सीट पे बैठते हुए एक अपना डेकोरम तो होता है कुछ, और हमारा भी डेकोरम होता है, संसद सदस्य का भी अपना व्यवहार का एक डेकोरम होता है। प्लीज बैठिए खड़गे जी, आप भी जीवन में कभी ऐसा नहीं करोगे, क्यों आपका ये बिगाड़ रहे हो इससे। बैठिए खड़गे जी, खड़गे जी आपने पूरा इंसिडेंस नहीं देखा, बात वो नहीं है, पूरा इंसिडेंट समझ लो। मैं किसी को गले लगाने के लिए मना थोड़ी करूंगी, मैं भी माँ हूँ तो मुझमें भी सब प्रकार के भाव है प्रेम के, लेकिन भाषण के बाद जिस तरीके से आना और प्राइम मिनिस्टर अपनी सीट पे बैठे, दैट टाइम वो पद की बात है, वो नरेंद्र मोदी नहीं है, ही इज प्राइम मिनिस्टर। और एक बात ऐसी है, वापस यहाँ आके आंख चमकाना, ऑल दैट बिहेवियर इज नॉट। दरअसल जो हुआ उसका किसी को अंदाजा भी नहीं था।
संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर भाषण देते समय राहुल गांधी अलग ही तेवर और कलेवर में नजर आए। पहली बार उन्होंने खुद को पप्पू कहने वालों पर भी निशाना साधा। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सभी गुस्सा, इतना सभी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूँ और ये सब कांग्रेस है, और कांग्रेस ने और इस भावना ने इस देश को बनाया है, इस बात को आप कभी मत भूलिए। और ये भावना आप सबके अंदर है, और इस भावना को मैं आप सबके अंदर से निकालूंगा, एक एक करके मैं आपके अंदर से आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा, और आप सबको कांग्रेस में बदलूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। राहुल गांधी आज पूरी तरह से हमलावर दिखे सरकार पर, हालांकि बाद में आपने देखा किस तरह जाकर उन्होंने प्रधानमंत्री को जादू की झप्पी भी दी। फिलहाल संसद में राहुल गांधी ने राफेल डील मामले को लेकर भी सरकार और प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश की, जिसका जवाब रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया। राफेल हवाई जहाज हमारी यूपीए की डील में हवाई जहाज का दाम 520 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज। पता नहीं क्या हुआ, किससे बात हुई, प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए, वहां पे किसके साथ गए पूरा देश जानता है, और जादू से हवाई जहाज का दाम 1600 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज हो गया। डिफेंस मिनिस्टर यहां बैठी हैं, उन्होंने पहले कहा कि मैं देश को हवाई जहाज का दाम बताऊंगी, उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर ने क्लियरली बोला कि मैं ये आंकड़ा नहीं दे सकती हूं, क्योंकि फ्रांस की सरकार और हिंदुस्तान की सरकार के बीच में एक सीक्रेसी पैक्ट है। मैं स्वयं फ्रांस के राष्ट्रपति से मिला और मैंने स्वयं फ्रांस के राष्ट्रपति से यह सवाल पूछा, क्या ऐसा कोई पैक्ट हिंदुस्तान की सरकार और फ्रांस की सरकार के बीच में है, और फ्रांस के राष्ट्रपति ने मुझे बताया कि ऐसा कोई पैक्ट हिंदुस्तान की सरकार और फ्रांस की सरकार के बीच में नहीं है। यह सच्चाई है, और उन्होंने मुझे बताया इससे कहने से मेरा कोई इतराज नहीं है, आप ये बात पूरे हिंदुस्तान को बताइए। प्रधानमंत्री के दबाव में आकर निर्मला सीतारमण जी ने देश को झूठ बोला है। किसकी मदद हो रही है, क्यों मदद हो रही है, निर्मला जी, प्रधानमंत्री जी, आप देश को बताइए। I'd like to show it before you and I've submitted it for your consideration. Yes. It's an agreement which was signed during the previous government in the year 2008, 25th January 2008, by the then Honorable Defence Minister A.K. Antony. And this agreement... पहले सुनो तो सही ठीक ढंग से. Yes. And this agreement clearly mentions that under Article 10, As per the Article 10 of the Intergovernmental Agreement between Government of India and Government of France on the purchase of Rafale aircraft, the protection of the classified information and materials exchanged under the IGA shall be governed by the provisions of security agreement signed on 25th January 2008. And that's the agreement I'm showing before you with, let me finish. And that's the agreement which I'm showing you with the signature of the then Honorable Raksha Mantri, Shri A.K. Antony. तो रक्षा मंत्री ने राफेल डील पर राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया, लेकिन मामला इसलिए गरमाया क्योंकि राहुल गांधी कह रहे थे कि खुद उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति से बात की थी, और इस बीच इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर ये
कि राफेल को लेकर फ्रांस सरकार की ओर से बड़ा बयान आया है। फ्रांस सरकार ने राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से नकार दिया है। राहुल गांधी, जिन्होंने कहा था कि फ्रांस के राष्ट्रपति से उनकी खुद बातचीत हुई थी और फ्रांस के राष्ट्रपति ने उनसे कहा था कि उन्हें कोई एतराज नहीं है विमानों की कीमत बताने पर, लेकिन अब फ्रांस सरकार की तरफ से बयान जारी करके कहा गया है समझौते को गुप्त रखने की शर्त रखी गई थी। राफेल पर राहुल के आरोपों को फ्रांस सरकार की तरफ से खारिज किया गया है। तो साफ तौर पर राहुल के बयान को फ्रांस की सरकार ने झुठला दिया। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले अपने भाषण की शुरुआत में राहुल गांधी ने मोदी सरकार को जुमलों की सरकार कहकर हमला किया। जुमला नंबर एक, जुमला स्ट्राइक नंबर एक, 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में। जुमला स्ट्राइक नंबर दो, 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार। रोजगार पे चलते हैं, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी। आप कौन सी दुनिया में हैं? प्लीज प्लीज, आप कौन सी दुनिया में हैं? मेरे पास यहाँ आंकड़े हैं, मेरे पास मैं देख रही हूँ ना, उनका नाम लिया आपसे पहले, आप मत डिस्टर्ब करो उनको, बैठो। मैंने तुरंत प्लीज प्लीज खड़ गए। 2016 और 17 में पूरे हिंदुस्तान में 4 लाख युवाओं को रोजगार मिला। ये लेबर ब्यूरो के सर्वे के डिटेल्स हैं, मेरे नहीं है, इनके आंकड़े हैं। हिंदुस्तान के युवा ने प्रधानमंत्री जी पे भरोसा किया था और हर भाषण में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को मैं हर साल रोजगार दूंगा। और सच्चाई है कि सिर्फ 4 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। कुछ ही दिन पहले एक नया जुमला स्ट्राइक कहां चलेगा कहां, एक नया जुमला स्ट्राइक, एमएसपी का जुमला स्ट्राइक। और हिंदुस्तान के किसानों को मैं बताना चाहता हूं, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बाकी प्रदेशों के किसानों को मैं बताना चाहता हूं कि एमएसपी में प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में आपको 10,000 करोड़ रुपए का फायदा दिया है। कर्नाटक की सरकार ने, सिर्फ एक प्रदेश ने 34,000 करोड़ रुपए अपने किसानों को दिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, राफेल डील को लेकर फ्रांस की ओर से भले ही खंडन कर दिया गया हो कि राहुल गांधी से इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन राफेल को लेकर अपने आरोपों पर अड़े हुए हैं राहुल गांधी। उन्होंने कहा है, मैंने गलत नहीं कहा, फ्रांस को खंडन करना है तो वो करे, फ्रांस के राष्ट्रपति ने मुझे कहा दाम बताने पर रोक नहीं है। और जब ये बातचीत हो रही थी, 2 नेता हमारे साथ थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह और आनंद शर्मा। ये बड़ी जानकारी दी गई है राहुल गांधी की ओर से, अपने आरोपों पर अड़े हुए हैं राहुल गांधी। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रणय, और क्या कुछ कहा गया है राहुल गांधी की ओर से? लोकसभा की लॉबी से सदन से निकल रहे थे तो हम लोगों ने उनसे पूछा, तो उनका कहना था कि मैंने जो कुछ कहा मैं उसे स्टैंड बाय करता हूं, उसमें कुछ भी गलत नहीं था। मेरे सामने उन्होंने जो फ्रेंच प्रेसिडेंट के साथ अपनी मुलाकात का दावा सदन में अपने भाषण के दौरान किया था उसी को दोहराया, और उन्होंने कहा मैं अकेला नहीं था उस बैठक के अंदर, उसमें पूर्व विदेश राज्य मंत्री आनंद शर्मा भी थे, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी थे उस बैठक के अंदर थे, और मैं स्टैंड बाय करता हूं जो मैंने कहा। अगर सरकार इसका खंडन करती है तो उन्हें खंडन करने दीजिए। तो इन्हें एक तरीके से राहुल गांधी अपने बयान पर कायम है, राहुल गांधी ने अपना बयान दोहराया है, और उन्होंने कहा, उन्होंने जो दावा किया था कि फ्रेंच प्रेसिडेंट ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा कि कोई सीक्रेसी फैक्ट ऐसा नहीं हुआ जो सरकार को हाथ बांधता हो राफेल डील में विमानों की कीमत बताने से, उन्होंने उस अपने बयान को भी दोहराया। हालांकि इस बीच में बीजेपी की तरफ से प्रहलाद जोशी ने मूव किया है, प्रिविलेज नोटिस दिया है, विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है कि राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान जो भी दावे किए, क्योंकि उन्हें तथ्य नहीं थे उसके अंदर, ना सब्सटेंशियटिक प्रूफ उन्होंने हाउस में टेबल पे रखे हैं, इसलिए उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। शुक्रिया प्रणय इस पूरी जानकारी के लिए। आपको बता दें कि जिस वक्त राहुल गांधी राफेल डील को अपनी बात रख रहे थे सदन के पटल पर, उसी दौरान सुमित्रा महाजन स्पीकर की ओर से मना भी किया गया कि इस तरह की जानकारी वो सदन के अंदर नहीं दे, क्योंकि उस वक्त फ्रांस के राष्ट्रपति तो सदन में मौजूद है नहीं। फिलहाल फ्रांस ने कर दिया है खंडन, उसके बावजूद एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि मैं अपनी बात पर कायम हूं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।